सत्कार योग साहिबान नौजवान साथियों मेरी मामा भैन माता अगे आज इतने बह जाओ पिंड मौड़ दे विच आपां खड़े हाँ ते तुहानूं सारयां नूं पता कि जिवें 2022 की जिहड़ी इलैक्शन अगे चोणां आ रहियां ने चोण मैदान च ने ते आपो अपने एजेंडे लैके आ रहियां ने हर बंदे ने आउणा लोकां दी कचहरी दे विच अपने मुद्दे अपने एजेंडे लैके तां अज मैं भी तुहाडे कोले अपने कुछ गल्लां कुछ एजेंडे कुछ मुद्दे लैके आया मैं अच्छ गल सुना नहीं आया सुन भी आया मैं चाहना कि जी बैठ के विचार वटांदरा हो कुछ ताड़े वालों गल कुछ मेरे वालों होन थोड़े सवाल होन मैं जवाब दे सका क्योंकि आम तौर पर आप देखते हैं भी बोलने वाला बुलारा बोल के चलाया जाता लोग बैठे सुनी जाते बोलन तो बाद किंतु परंतु करते रहते पर जदों बंदा बोल रहा होंदा उदों मन च सवाल बहुत होंदे आ पर असी जवाब नहीं कोई उहदा लैंदे उह तों मगरों जरूर किंतु परंतु करदे आ सत्त च बह गए खुंडां ते बह गए चंगा सी माड़ा सी उह मगरों पड़चोल करदे रहिंदे आ सो मैं चाहना मैनूं वी सुणदे रहिंदे हो सोशल मीडिया ते चैनलां ते मैं चाहना तुहानूं वी सुणिया जावे कि साडी जिहड़ी मानसिकता लोकां दी सोच आ उह कित्थे जे खड़ी हाँ जी कोई आदमी साल तो छे महीने कट कर रहे है अपने ऑर्गेनाइजेशन है अपनी जथेबंदी किसी भी सुपरविजन थले चल रही है उन्होंने अपने मतभेद है आप जबरदस्ती टाइम पे ले जो आप जबरदस्ती टाइम लें नौजवानी होने लग जाती है उसे कंट्रोवर्सी पैदा होंगी है विवाद पैदा होंगे तो जो जिद ना सा मत्था लगे हुए उन्होंने को जी सा रहे है सदा संदेश है हो रही है ये मेरी बेनती है विधान होना चाहिए मनोरथ होना चाहिए एजेंडा स्पष्ट तेरे सवाल आ गए भाई मैं जवाब दे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਉੱਥੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਾਈ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੋਗੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਟ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਇਕ ਸੀ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੱਗ ਕੇ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕਨੱਪ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆ ਮੈਦਾਨ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
अंदर जाके बह जाएंगे आले दुआले पुलिस लग जूगी साड़ी सुनवाई नहीं होनी इतने चीकां पै जाणियां दिल्ली दियां मेरे नाल वैसे भी उन्होंने यह भी कहा अपने जो अंदर वर्कर गए थे पंजाब चो यूनियन के कहने लखे ने बहना बह जा आप जाना मैं मैच पढ़ के जो गल बोली भी अंदर जाए घिर जाएंगे इतने घेर लाँगे लोगों ने गल जट गई कहने नहीं अभी इतें ही बैठा भाई दो दिन स्टेज अही चलाई उस ट्राली से गुरदीप मुंडा गुरदीप सिद्धू दुआबे वाला ट्राली थी जोड़ी ट्रैक्टर से तीजे दिन आ गए जथेबंदी ने स्टेज सामभी है हुण जे भाई मैं ये गल कह दा भी स्टेज लाने का मैं हाँ तुम अपनी अड ला लो सही नहीं सी ना जो सांझे मिशन लिए लड़ रहे हैं कार्ज एक है मनोरथ एक है फिर साढ़े जो बखरेवे क्यों दूजी गल भाई तुम देखो मेरे ना उत्थे मैं बोलिया भी यार तुम मैं हफ्ते बाद भी टाइम नहीं देंगे बोलने लिए बोलदा दो मिनट मगरों मेरा झुग्गा खिंचन लग जाते हो 26 जनवरी भाई तुम देखिया मैनू की उत्थों फतवा मैं मिलया भी ये गदार है जी ये सरकार मिले हुए हैं इन्होंने अंदोलन खराब करता मैं बोलिया भाई सबर का घुट भर के मैं उस सारिया गल् क्यों बर्दाश्त करता रहा तुम अनेक बारी मेरिया गल् सुनिया होनिया मैं कहता रहा कोई गल नहीं साढ़े बखरेवे होणगे साडे मतभेद होणगे असी जाके पंजाब नबेड़ांगे साढ़े लिए वड्डी गल अंदोलन जितना मैं अज तक भी चुप रहा कहे तुम दस दो मेरे एक जवान के पिछों शब्द उदू बाद जिन्हों बंद ने मेरा नाम लै लैके नारे लाए गदार ने सरकार के बंदे ने मैं बोलिया होव नहीं भाई मेरी कोई स्टेज ही नहीं मेरी तो भाई फिलहाल कोई स्टेज चल नहीं रही कित नहीं 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 आप कोई नहीं सवाल जवाब आने दे सवाल जवाब करना है मास्टू आने भाई मैं नहीं गया भाई नहीं यार मास्टू आने तुम कट के देखो वीडियो में महाराज तेई फरवरी जो मेरे दिल्ली परचे हो मरा रैली की है मैं उत्थे 11 या 12 मिनट बोलिया मेरे मुँह के पिछे एक शब्द किसी आगू के खिलाफ किसी जंदे जथेबंदी के खिलाफ भाई तू ये देखना वो स्टेज मेरी थोड़ी है मैं तो फरार बंदा है लोगों को इकट्ठे करके मैं लामबंद किया मैं भाई तेई नूं मरा जावांगे उहदे किन्ना किन्ना बंदिया ने उन्हूं मतलब किया प्रबंध किया मेरे मुंह एक शब्द सिखा रहे कितने मैं कहे खिलाफ बोलिया हूं हाँ। नहीं नहीं कोई नहीं बोल भाई खुल के बोल भी गल समझ वाली है दूसरी गल ये है ठीक है मैं तेरा हमदर्द भी हाँ तेन मानता भी देना तेरे नाल भी खड़ूगा पर दस बंद अकल दस बुद्धिजीवियों की अकल एक बुद्धिजीवी ना कि नहीं भाई मैं दसदा मैं 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 तेन पुछना चाहना कि मेरे ना रौला की सी हूँ सुन ला फिर ला जो भाई स्टेज 28 या 29 तरीक जथेबंदियों को जाते हैं कहते भी 5 मैंबरी कमेटी बन गई 5 मैंबरी कमेटी को फैसला करूँ भी लखा बोलू या नहीं बोलू मैं ठीक है 5 मैंबरी कमेटी को मैं भी बग गया मैं जी दसो मैंने कहना जकारा नहीं लाना फतेह नहीं बुलानी तो याद होना 29 या 30 जनवरी मैं उत्थे नवंबर 29 या 30 नवंबर मैं बोलिया सी मैं क्या यह अंदोलन सारे का साझा है ये हिंदू भी आ मुसलमान भी आ सिख भी आ ईसाई भी आ सारे धर्म मजहबा के जातों के लोग ने इनू एक रंग ना दो बोलिया कि नहीं बोला सुनया कि नहीं सुनया भाई सुन लो हूँ भी कट के वीडियो पे भी जकारे भी लगन गए फतेह भी बुलाई जाऊगी अज भी असं कहने भी सानू उस निशान साहब की ओट आसरे हेठ असं जंग लड़े हाँ तो पहला भी जंगा लड़े हाँ वो परमात्मा ने जित भी साड़ी झोली च पाई है इतों ही रौला पैना शुरू हो गया सी हुण किन्नियां गल्लां भाई देणी आ कि वह गल्लां आपदा झुग्गा चक्कण तो ढड्डा आपदा नंगा हुंदा मैं अज भी नहीं बोलना चाहुंदा आगुआं दे खिलाफ मैं अज भी बोल रहा कितें
अंदोलन का फैसला हो चुके हैं, मोर्चा फतेह होने वाला है, आप घर वापसी आ रहे हैं। पर मैं कहना नहीं यार, जे गंढ बजी रह जाए, सिर जुड़ जाए पंजाब के लोगों के, पंजाब के दर्दी लोग इकट्ठे हो जाए, तो कुछ पल्ले पैजू, पंजाब खड़ा हो जू पैर से, नहीं तो फिर ठीक है। आओ आया 400 यूनिट मुफ्त, आओ 600 यूनिट मुफ्त है, आ आटा ले लो, आ दाल ले लो, बना दो पंजाब नूं भुखारी। ना कोई लारा लाना है, ना वादा करना है। मैं चाहना पंजाब पैर से खड़ा हो जाए। लड़ाई लंबी है भाई, लड़ी जानी है। लंबे समय तो एको ही गल कहता है, तुम्हें कमरा एजेंडा पूछा भी एजेंडा की है, हम एजेंडा सुन लो भाई। एजेंडा मेरा कोई लालच नहीं, कोई वादा नहीं, कोई लारा नहीं। मैं एक गल सोचना, जदों पंजाब जाने पंजाब के हालात देखते हैं कि साढ़े पंजाब की जवानी बाहरले मुल्कों भज रही है, पिंडां दे पिंड सुने हो रहे, वेले हो रहे, दुआबा पहला वेला हो गया, आपां हुण माझे दे मालवे की वारी आ गई। मेरे पिंड दे विच 2013 दे विच 4 परिवार बाहर सी, अज 200 बंदा बाहर भग गया, बीहां नूं जिंदे लाके पूरी बीही खाली हो गई। लुधियाणे साने वाल गए, लोगों ने दस्सिया कि पिंडां दे विच सरपंच, पिंडां दे मैंबर, पिंडां दे नंबरदार यूपी बिहार दे बंदे आ के बन गए। साडी जवानी नशे नाल हड़ गई, मर गई, जां बाहरले मुल्कां नूं भज गई। इत्थे कोई रहणा ही नहीं, जो लड़ाई असीं की लई लड़ रहे हां। मैं तां इह बहुत चिर दा मत्था मारदा आ रहा। दूजी गल भाई, की करनगियां सानूं आटे दालां ते बिजलियां मुफ्त जे साडे कोले पाणी ना बचिया। साढ़े हर साल पंजाब दे विच टोटा आपां पाउने आ अपने एरिए च, 10 फुट का टोटा हर साल पैंदा, पानी हर साल 5-7 फुट थले जांदा। मैं किसान आगू नूं मिल के आया, मैं चैनलां ते ही बोलिया कि कानून रद्द हो गए ठीक है, पर MSP दे उत्ते कानून बनाए तो बिना सानूं उठना नहीं चाहीदा। पंजाब तां बचूगा जे सानूं बाकी फसलां ते कानून बनूगा, MSP ते सानूं रेट मिलणगे। ऐतकी भाई सरों 10,000 नूं विकी है, ऐतकी अपने लोगों ने तरह तरह बीजती गाहां नूं, किन्ने नूं 2,000 नूं लै जू। की करांगे, नरमा ऐतकी 8,000 नूं, 10,000 नूं विकिया गाहां नूं, 4,000 नूं विके किधर जाऊ बंदा। जे कानून बनिया होगा आपां मूंगियां भी ला लाँगे, आपां मक्कियां बीज लाँगे, गवारा बाजरा बीज लाँगे, नरमे कपाह भी बीज लाँगे, झोने के चक्कर चो निकल जाएंगे, फसली चक्कर चो निकल जाएंगे, झोने कणक वाले चो, उहदी भी गल करदा मैं तां। मैं तो यह सोच के चलिया भी लड़ाई लंबी है, थोड़ा दूरअंदेशी नाल सोचो, ये 5 साल की खेड़ नहीं भी MLA बना लिया, सरकार बना ली, हुण सरकारां 2 महीने रह गए, आ लै लो, आ लै लो, आ लै लो, देना करना किने है भाई। चिट्टा चिट्टे दे नाल मुंडे अपने मर जाते, मरी जाते हैं, पिंड पिंड चिट्टा मिलता है, बिकदा है। आपां कदे सोचिया भी यार, आपां मुद्दा ही भुल गए, भुल गए कि नहीं भुल गए भाई, दसो अज मुद्दा की है। कांग्रेस आऊगी, बादल आवणगे, झाड़ू आऊगा, BJP आऊ, BJP ने आह ला ले, चन्नी ने आह लारा लाता, चन्नी ने ऐ करता, सुखबीर ने ऐ कहता, केजरीवाल ने आह गरंटी देती, यही मुद्दा जुड़ गए ना भाई। दसो कितने चिट्टे का मसला रह गया, कितने मुद्दा बनया चिट्टे का, अज भी पिंड पिंड विकी जाता है। की सरकारां नूं पता नहीं, की पुलिसां नूं पता नहीं। इस करके भाई मैं जेड़े मुद्दे ने मेरे, वो मुद्दों को लेकर चलिया लगातार, पंजाबी बोली लड़ाई मैं 5 साल तो लड़ रहा। अज ब्याह चो आया अभी इतों दड़बे को, जवाक आ गए छोटे छोटे 8-8 साल के, फोटो कराने मैं आ जाओ, कितने पढ़ते हैं, दड़बे पढ़ते हैं, संगूर पढ़ते हैं, उड़ाला आ नहीं आता, ABC आँदी है, पंजाबी बोलने स्कूल कोई रोकता तो नहीं, रोकते हैं जी, पाबंदी है, जुर्माना है। जे साडे पल्ले साडी जबान ना रही, साडी बोली ना रही, साडी पहचान ने खत्म हो जाना है, इस विरासत ने मर जाना है, इस सभ्यता ने मर जाना है। ये ऐवें थोड़ी बनी है, हजारां साल लगे, मना मोही खून डुल्लिया, सैकड़े हजारां सिर लगे ने, फिर जाके खड़ी हुई है कौम, फिर यह धरती के उत्ते विरासत कायम हुई है। लड़ाई तो यह है जिन्हों बचाने लिए तुरे हुए हैं भी, यह विरासत नहीं मरनी चाहिए, बंदे आते जाते रहते हैं, चले सब ने जाना है। सो भाई कोई लारा नहीं, कोई वादा नहीं, कोई उस तरह दियां गल्लां नहीं, भी गलियां नाम है गलियां नालियां वाला, नाम है छप्पड़ा डोबे वाला,
ना कोई कल मैं ए कहे भी बई तेरे पिछे वोटा पाइया सी जुत्तियां तलाइया बई तेरे पिछे मामे भूआ चाचे ताए नू कहा बई साडे जवाब तो गोलियां फड़िया छड़ाई दियो अज ही जवाब है किसी प्रकार की ओही गल नहीं करता जिन्हें मैं कल नीवी पानी पै जाए अख नीवी करनी पै जाए लोगों जो गल नहीं करके जब होर दस बई कोई होर सवाल होर किसी दवाओं के भी कोई है दसो बई जरूर वधिया गल है जे बोलिया नौजवान बोलना चाहिए फिर ही साडा जिहड़ा विचार वटांदरा होगा मैनू लोगों के वलवले पता लगनगे लोगों के दिल च की आ दिमाग च की आ नहीं मेरे वर्गा बोल के गया अपनिया गल्लां सुना गया लोगों की सुनी कोई नहीं दसो बई होर दसो बई होर बई कोई तू दस चलो होर दस सवाल बड़ा उच्ची उच्ची बोल उच्ची बोल भाई तू यह जानना भी जेडे आई टी सैल बने ने बीजेपी का भी किन्ना मजबूत है वो होर जड़िया एजेंसियां उन्होंने किन्ने मजबूत ने उन्होंने अग सिटन की किन्नी कोशिश की मैं किन्ने बारी बोलिया मेरे सुनया ना तो मूहों भी मसले नू पंथ बनाम कामरेड ना करो सिख बनाम कामरेड ना करो बोलिया कि नहीं बोलिया भाई दसो भाई बोलिया कि नहीं बोलिया हाँ जी एक गल हो नजरअंदाज कर रहे अनुशासन बंद अगवाई चल जिम्मे चलते मैदान च घोड़े रूट के हिसाब न चलना पो जे सानू लगता है उन्होंने फर्क है वह डरपोक है अभी दो दिन छड़ के भावे कितना भी करना पो मेरा मनना है मैनू नहीं पता लखा सुधारना वह बखरे प्रोग्राम करवाने शामिल किया नहीं मैं सिर्फ झंडे वाली गल कर जवाब ले ला भाई तुसी कहा कि एक गुरु कंसी कॉलेज के बच्चे दो जड़िया लेडीज सीगिया वो मेरे नाल एक गलबात कर रही ने कि तुसी अंदोलन खराब करता गल आउंदी है झंडे ते तो मेरा जवाब सी भाई सुनया होना तुसी सुन लो दुबारे उत्थे वो भी पिया उत्थे तां गया नहीं कितें भी जे चीन की हद के उत्ते राजनाथ वर्गे देश के रक्षा मंत्री साडा निशान साहब ला के कह देंदे आ बोले सो निहाल दा जयकारा लाओ उत्थे असी ठीक हो गए जे किसी ने लाल किले चलाता उत्थे दी गलत हो गई मेरा ये जवाब सी ठीक है अच्छा लाल किले दे विच जे किसी ने ला भी दिता लाल किले दे विच फतेह दिवस के उत्ते झंडा यह लहराया जाता निशान साहब लहराया जाता ये तुहानू पता होना चाहिए ठीक है उहदा एडा किंतु परंतु आपां कर देना उहनू एडा होऊआ बना देना खास करके जिहड़ा मीडिया ने प्रापेगंडा किया मीडिया ने साडे मूँह चो गल्लां पातियां उहदे असीं चल पे उदू बाद असी आपस में टकरा गए वो टकराउण दे नाल उहदा नुकसान की होया बई 26 तो बाद असी 29 नूं वापस आया जदों मैनूं पता लग गया भी इत्थे बहुत गड़बड़ हो गया काम ते परचे भी दर्ज हो गए असी 28 नूं 29 नूं 27 नूं लोकां दे पैरीं हत्थ ला ला भी रोकण की कोशिश की वो ना जाओ खड़ जाओ सानू कहंदे भाई ठीक है नहीं जांदे असीं पासे हुंदे मार के सैल्फ निकल जांदे ठीक है उदू बाद भी
मैं जो कुछ भी मेरे खिलाफ उत्थे वरत्या गया वटारा जो भी मतलब के फतवा दिता गया मैं उहदे बावजूद भी आके पंजाब दे विच मैं रैलियां करदा रहा लोगों लामबंद करता रहा मीडिया मेरे अगे सवाल करता सी राजनीति जाओगे जिन्ना चिर अंदोलन एक सिरे नहीं लग्या तुसीं मेरा एक बयान दिखा दिओ कदे मैं इह कहा मैं राजनीति जाऊँगा मैनूं इको गल कहिंदा रहा मैं जे अज इत्थे बैठ के राजनीति की गल करोंगे गोदी मीडिया ने प्रचारना सरकार ने प्रचारना भी आह देखो यहाँ पार्टियां कढ़न लई आए सी इहदा लीडर बन लई आए सी MLA बन लई आए सरकारां बनाउण लई आए सी मैं कहा इस गल तो ग्रेज करो हाँ भाई हुण तूं दस नहीं चलो चलो सवाल जवाब होने भाई जरूरी है पर मैं एक तो गल कहना हाँ जी मेरी समझ बड़ी हुई है मैं नहीं पता की गल जेडे दूजे हो बत्ती ग्राम जत्थे बनाए उन्होंने ये सी कि जे इत्थे लखा सुधाणा बोलू जेडे उन्होंने फॉलो करने वाले जो कोई प्रोग्राम रखा पूरे मूवमेंट के उत्ते हावी हो जाएंगे वह बंदे आप बुदले हो गए उन्होंने लगाम किसी हथ नहीं हो किसी की गड्डी बन गई किसी का शीशा बनता कुछ भी हो सकता है क्योंकि जरूर कोई हम अग्राह गति अगर उसी तकली बत्ती को जिन्ना बंद उन्होंने कोई मूह श्री नहीं बिना महार तो बोलते है जिम्मेदारी वो गड़बड़ कर रहे दूजी गल अपने आप पर मेरा मन है कि शक्ति वाली घटना के थले वो जिम्मेदार अभी सारे जिले चलो वह गल का हूँ आप छी मेरी समझ ये है कि लखा हंधाणा को गाइडलाइन देने ठीक है हम आप अगे गलबात तोर लगे जी आप इतने ही विचार कर लगे चलो ठीक है भाई ये तेरी गल ना मैं सहमत हो गया भी सानू एक संगठन ढांचा बनाने की लोड़ आ मान लो जिमें सारिया जथेबंदियों को पूरे पंजाब दे विच एक ढांचा बनाया होया वो इस करके मजबूत आ भी वह अनुशासन दे विच रहिंदे आ पर मैं इस गल तो नहीं कदे भी मुनकर हो सकता कि मैं जे 26 नवंबर 27 नवंबर रोका टोका तोड़ के दिल्ली पहुँचने वाली वो साड़ी जवानी सी बई अभी वो तो भी मुनकर नहीं हो सकते असी बापूआ के नाल हाँ नहीं मैं तेन वो नहीं गल कर रहा नहीं कोई नहीं भाई कोई नहीं सरकार से नहीं जेड़ा 2-2.5 महीने पंजाब दे विच अंदोलन खड़ा किया किसान जथेबंदियों ने खड़ा किया उन्होंने मूवमेंट पखाई उन्होंने लहर बनाई उन्होंने टोल घेरे उन्होंने पंप घेरे उन्होंने आ जे इन्होंने माहौल से वह घेरे उन्होंने लीडर घेरे बनाई मतलब उन्होंने योगदान बहुत बड़ा है पिंडों के संगठन इकाइया ने फंड कट्ठे किए ये कोई मुनकर नहीं पर मैं कहना भी जवानी तो भी कोई मुनकर नहीं हो सकता भी जे साड़ी आप महारी जवानी गई सी तो वह भी योगदान आप देखिए ना ठीक है आप महारी है नहीं किसी ढांचे के अधीन हो आउंदी जा उन्हां दी किसी की कोई जथेबंदी नहीं हैगी जा उन्हां दी कोई कमांड नहीं हैगी पर आपां किसी नूं नकार नहीं सकदे ते भाई इस अंदोलन दे विच हर बंदे दा योगदान है भाई नवरीत दे गोली ला के कल्ला मां प्यो दा पुत्त सी चलिया गया असीं किवें नकार देंगे 700 दे करीब जाना गईआं किवें भाई नकार देंगे 16 साल का जवाक भाई डाले डिग के नींद आ के मर गया हफ्ते बाद कनेडा जाना असीं किवें नकार देंगे आ फत्ता मालो के पिंड है 20-25 दिन बेचारे के ब्याह नूं होए सीगे वह बेचारी
ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ? ਚੌ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਵੀਹ ਵੀਹ ਬਾਈ ਬਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ? ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਾਈ, ਚਾਹੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਮੇਸੀਆਂ ਘੇਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ? 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, 10-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਗਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 400 ਦਿਨ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫੰਡ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਖਦਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਾਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ, ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਤਾ। ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਦਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਚਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਲੋਟ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਹੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਰ ਆਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਆ ਗਏ, ਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਝੁੰਗਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁਮੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੁਣਾਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਢਾਬ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਪੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਚੌਥੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਹਲਕਾ ਟੂ ਹਲਕਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਜੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰਲੋਗੇ? ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
इस गलों जोर लाया कि तू मौड़ा तो लड़ ला, तू तलवंडियों लड़ ला, तू फूल तो लड़ ला, पार्टी साड़ी च आ जा। कोई पांच पैसे लगने दे खर्चा सारा करांगे। जे मैं एमएलए बनना हुंदा भाई फिर मैं उधर चला जांदा। नंबर एक। नंबर दो ते मेरी झाड़ू वाला भगवंत मान नाल पांच चार मुलाकातां होईयां, मैनू नीतियां नहीं चंगियां लगियां भी जिहड़ियां रवायती पार्टियां नीतियां लेके आईयां, लालचां दियां, अपाहज बनाउण दियां, भखारी बनाउण दियां, सानू जिवें अजकल वंडिया जा रहा उही भाई उते ही आ गए। वो कहिंदे 400 यूनिट, कहिंदे 600 यूनिट चक्को, वो कहिंदे 5 रुपये यूनिट, कहिंदे 2 रुपये यूनिट चक्को, वो कहिंदे 1000 रुपया खाते च पावांगे। मैं कहा ऐ गल नहीं बननी, मैनू जवाब दे दिओ। मैं जो 300 बंदा रखिया बाहरले सूबे नाल, सुनी है मेरी गल सारी, 300 बंदा भर्ती किया जिहड़ा मुख्यमंत्री सुरक्षा दे विच, यूपी बिहार बंगाल आंध्र, एक भी बंदा पंजाबी ने मुद्दा चक्या सी। उस संबंध च मैं मंत्रियों नूं मिलिया, मुख्यमंत्री नूं भी मिलिया। मैं मुख्यमंत्री को मेरा सवाल सी भी पंजाब दे सिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, जिदे 35,000 करोड़ रुपया पंजाब का ब्याज चलाया जाता है इस कर्जे का, 45,000 करोड़ रुपया तनखाह बनता है पंजाब सरकार, 12,000 करोड़ रुपया बिजली का सबसिडी है, तो 12,000 करोड़ रुपया वैलफेयर से लगता है, लोग भलाई स्कीम से आटा दाल बंटता, साइकिल बंटते, मशीन बंटती, 1,04,000 करोड़ रुपये का खर्चा एक साल का पंजाब का। पंजाब की कमाई कितनी है? वह 65,000 तो 70,000 करोड़ रुपया हर साल। पंजाब 40,000-45,000 करोड़ रुपये से गूठा ला रहा, बिक रहा। तुम कहने 1,000 रुपया खाते च पावे, 8,800 करोड़ रुपया हो गया एक महीने का, वो पैसा कितों आऊगा जी? ये सवाल है भाई, अपने को भी है नहीं। नहीं मैं इस करके मैं आम आदमी पार्टी ने भी सवाल करदा भी, तुम कह रहे हो 600 यूनिट दे देंगे, थोनू 2 रुपये यूनिट दे देंगे, थोनू असी 1,000 खाते च पावे, भाई वो पैसा कितों आऊगा? जे आ कर्जा वाधा वाधा 3.5 लाख करोड़ तो 5,00,000-7,00,000 करोड़ रुपया हो गया, जिन्ना पंजाब का रेवन्यू कट्ठा आता, टैक्स कट्ठा आता, सारा ब्याज जाऊगा, असं बचा कि भाई? तुसी भाई घर के मुखी बैठे हो, आमदन हो अपनी महीने की 10,000 रुपया, खर्चा हो 20,000, बचोगे? जमीन भी बेचा, घर भी बेचा, सड़क पर आवेंगे। हाँ मैं रंधावे मिलिया, मैं अपने प्रगट सिंह मिलिया, मैं नवजोत सिद्धू मिलिया, चन्नी मिलिया, इस मसले को लेके एक बंदा मैं गंभीर लग्या, कला प्रगट सिंह, वो बंदे की पिट सुनती है। जलंधर मिलिया, घंटा गल्ला होगा, 4 बारी बंदे के मन चो अखा चो पानी आया भी यार पंजाब का बनूगा कि असं किधर जा रहे हैं। उन्हें मैंने एक पॉलिसी दसी, मैंने कहना लखे मैं 3 साल पहला 8 सूबों का दौरा किया, मैं पॉलिसिया नीतियां कट्ठिया कीतियां भी वो किवें चलते हैं। कहना मैं सरकार को गल की भी रेता सरकारी कर दो, रेता सरकार बेचूगी, प्राइवेट हत्थां दे ना करो। कहना वैसे मैं नशे के खिलाफ है, शराब जिहड़े ठेके ने, कहना अही कहना शराब की एक बोतल 150 रुपये की पैंती है कारखाने चो, 150 रुपया कहना सरकार टैक्स लाउंदी है, 300 की होगी, ठेके दे विकदी है 1000 की, 700 रुपया कि जेब जा रहा, ब्यूरोक्रेट जिहड़े अफसरशाही चलाउंदी है सरकारां नूं, लीडर ते ठेकेदार। वो कहना पंजाब कोल पैसे की कमी नहीं, नीतियां की कमी है। कहना मैं 3 साल पहला झंडा लिया आया सी, किसी ने सुनी नहीं, अज भी कह रहा कोई सुनता ही नहीं, हर बंदा कहता मैं लुट ला, मैं इकट्ठा कर ला, पर वो नीतियां गलत ने भाई, पंजाब दी नीतियां बनाईया कि ने भाई गलत। थोड़े लोगों का कसूर है, कमालू 20,000 से चुने, नाजर मानसाइया, रूबी, परमल धौला, खैरा, जग्गा, किन्ने बंदे गए भाई, कंवर संधु, अपना पूरा बहुत होंगे भाई, बंदा तो एक बंदा सरकार नूं खड़ा कर सकदा, एक बंदा ही बोलने वाला हो, दसो कौन बोलिया? 2014 तक कांग्रेस भी बैठी सी, बोलिया कोई? 21 दे विच 75 बंदे कैप्टन भर्ती कर गया, सारे बैठे सी, बोलिया कोई? सरकार नूं भाई हमेशा विरोधी चलाउंदे आ, तू बोलिया भाई बोलिया।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਲਣਾ ਡੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਵਾਜੋਗੇ ਬਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੰਜ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੋਲਿਆ ਬਾਈ UAPA ਦੇ ਉੱਤੇ, UAPA ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਾ ਅੰਦਰ ਤੁੰਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਮ ਝਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਖੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਰ ਲੂਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਲਦੇ ਮੂਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰਾ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬਈ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, BJP ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਪਾਓ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਤਖ਼ਤ ਢਾਹ ਤੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਤੇ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਮਾਰਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਬਾਈ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 19 ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਣੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਝਾੜੂ ਬਣੂੰਗਾ, BJP ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਲਝ ਗਏ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ, ਸਭ ਭਰਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਲਹਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਥੋਪੇ ਗਏ ਲੀਡਰ, ਥੋਪੇ ਗਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ। ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ,
ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਐ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜੂ ਬਈ ਜਾਂ ਸੁਧਰ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਾ, 50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 70 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਗੱਟੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਗਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਂ 8000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਰੁਪਇਆ ਨਰਮੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਹਯਾ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕੰਘਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਜੂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੇ, ਮੈਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਦਲ ਦਲ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਫੂਕਤੇ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਮੋਢਾ ਪਾ ਲਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬਾਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮਾੜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ,
नौजवान वीरों बच्चों सब तो पहला सारा नू मेरे वालों वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी का खालसा वीर जी आए ने कल के मैं ना जी आए ने इन्हों सानू नहीं पता किस पार्टी तो ने किमें ने जो भी है पर साड़िया दो चार बेनतियां ने असी परिवारक ढांचे नाल पिंड वासियां नाल सांझी गल कर सकते हैं साडा सांझा ढांचा साडा परिवारक सिस्टम है साढ़े नाल किसी नाल गेला शिकवा हो सकता है असी कुछ ना सांझा कर सकते हैं असी जिमें वीर जी ने आया मैं दो मिनट पहला सी असी साडा असली वारस कौन है वो वीर जी को सवाल करी जाते थे जवाब दी जाते थे कि असी एक गुरु महाराज के वार चेले हैं बच्चे हैं उन्होंने असं उन्होंने जी दिखाई हुई दिशा उन्होंने चलना असं चल भी रहे हैं पता सू इस गल का भी जो अपने लूंबड़ चलना जो गिदड़ बरसाती डड्डू ने वह हूँ थोड़े को घर घर से भी आने मोहल्ला के सत्ता पर बेनती है एक जी सू जरूरत है वो ये है साडे बच्चों की जी सिक्ख्या वो किसे भी वो क्यों खोली है सरकार ने साढ़े को जो कि अच्छ कोई आप कहते भी ला के भी मैं करा दूँ उदू पहला वो किथे सी किथे सुते पे सी कुंभकार नहीं सुते पे सी जिहड़े सानू जगाउण आ गए हलूणा दे रहे हो सकता बाई जी की गल 100% सही है सच है हो सकता साढ़े नाल हो सकता पहला भी खड़े सी अज भी खड़े हैं मैं हो रोज यूट्यूब पर भी देखता टीवी पर भी देखता ये वीर जी हमेशा हक का नारा लाते हैं हर एक किसान के मजदूर के किसी भी पक्ष से खड़ते हैं हर एक की गल सुनते हैं हल भी करते हैं हम गल कर लगी इन्होंने मैं बहुत वधिया लगी पानी वाली गल भी लगी मझ में नहाने वाली गल भी वधिया लगी गड्डी में धोने वाली गल भी वधिया लगी पर असल दे विच साडे इत्थे जिहड़ा मालवा है साडे जिहड़ा अपने जिथे खड़े हैं साडे पीण योग पानी है ही नहीं वो पीण योग पानी का व्यवस्था नहीं साडे कोल हैगी सिक्ख्या साडे कोल हैगी अपने को सेहत जिन्हें मतलब भी दवाई बूटी का सानू नहीं प्रबंध हैगा जे असी कोई काम करते हैं उस कारोबार साडे कोल नहीं हैगा मजदूर है मुलाजम है किसान है चाहे कुछ भी है सारे वेले है भाई जी कम करांगे तो खावांगे जे कम हैगा तो साडा चुल्हा तपता जे चुल्हा तपता तो परिवार साडे नाल है भाई जी का बहुत बहुत ठीक है जी ठीक है भाई हाँ भाई हाँ ठीक है ठीक है जिथों तक मेरी समझ हल डेमोक्रेसी ठीक है सारे पंजाब के बुद्धिजीवियों चेतनवंतियों मित्रों पार्टी होनी चाहिए है पार्लीमानी सिस्टम के होना चाहिए क्योंकि होर कोई राह ही है नहीं दूजी गल जो मतलब सिंगलमैन दस बंदे ठीक है नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई कोई नहीं 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 यार आप रोको ना भाई रोको ना नहीं नहीं कोई नहीं भाई कोई नहीं कोई नहीं सजा आवन दे भाई फिर आप अपना भाई अपने जो ना लीडर की फर्क है जो आप बोलने नहीं देना नहीं भाई कोई नहीं यार चंगी गल कर दा चल भाई चल चल मेरे चल कोई कोई गल नहीं भाई अच्छा लो जी मैं हम बाई का अखीरला सवाल से मैं जवाब देने लगे हाँ बाई ने कहा पार्टी बना लो लगातार कोशिश सारा ना चल रही है बुद्धिजीवियों नाल भी जे दर्द रखते हैं पंजाब का उन्होंने भी किसान कुछ आगुआ के नाल भी भाई कट्ठे हो जाओ इतों स्नेहा दिने इतों तक भी मैं कहना भी कल भाई झाड़ू वाले भी सारे कट्ठे हो जाओ ना होए भाई ये सानू पता है तहानू भी पता वोट ने भाई बंडे ही जाना पर मैं फिर कहना
जे मान लो कल आम आदमी पार्टी नाल जिहड़ा इधर कोई संगठन बनता है पंजाब दे विच होर उहदा कोई समझौता हुंदा तां मेरी उत्थे गल इह मैं रखूंगा वी भाई गल पंजाब पंजाबीयत दी होनी चाहीदी है। असी दिल्ली की सोचती असी यह नहीं सोचना, दिल्ली की कहती असी यह नहीं सुनना, असी गल पंजाब दी करनी है। मान लो एक उदाहरण है, गल पानिया दी आउंदी है, कल नूं कोई सानू कहे भी राजस्थान साडा इन्ना पानी इन्ने सालों तों लिजा रहा, रॉयल्टी नहीं मिली, कोई मुआवजा नहीं मिलिया, उत्थे भाई दिल्ली पार्टी का फरमान आ भी इहदे आपां बोलना नहीं, क्यों ना बोलांगे भाई। पंजाब नाल ला के 47 तों पहला 47 च वढ़ता, फिर 66 च वढ़ता, फिर उस तों बाद लगातार साडे नाल की कुछ हुंदा आया, वढ़िया गया, टुक्या गया, पानी खोले, राहधानियां खोलियां, पंजाबी बोलदे इलाके खोले, ये तो बोलना पूना बई कब छड़दा गया मुद्दे भी नहीं जी। इत्थे मैं कहना भी जे कदे आम आदमी पार्टी का जिहड़ा संगठन बनूगा ना समझौता हुंदा वह गल यह होगी भी गल पंजाब की होगी, गल पंजाबीयत की होगी, गल पंजाब के मुद्दों तरजीह देवांगे। ये नहीं होना भी यूपी के 84 सीटा ने, मध्य प्रदेश 36 ने, राजस्थान 36 ने, अगला भाई 13 सीटा की ले बैठा, अगला 13 ही पंजाब में छड़ दो यार। पर यह गल सू पहल रखनी पेगी भी साढ़े लिए पहली गल ही पंजाब आ, ये तो बिना कोई झंडा नहीं। जे सोचना जे बचाना, जे असी यही सोचना है भी हाँ मैनू कोई पार्टी MLA बना दूगी, मैनू कोई पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा ला दूगी, मैनू कोई मंत्री बना दूगी, मैं पंजाब के मुद्दे क्यों चक्का छड़ दिया, मैं मुद्दे वड्डी गल आ भाई। जे अज पाकिस्तान के नाल लांघा खुल जाता है, व्यापार साडा इतों शुरू हो जाता है, गाह जे अफगानिस्तान तक उदूगा एशिया तो गाह यूरोप तक चलिया जाता है, अरब मुल्कों तो गाह, तो भाई पंजाब किथे जाऊगा सोचो। उहदे लई भी गल्लां ठाउणियां पैणगियां। हर बंदा गल तो डरदा है यार, पाकिस्तान की गल ना करो, पाकिस्तान नाल क्यों भाई, जे बंबे राही बंबे दे कराची बंदरगाह राही व्यापार हो सकता है, फिर बागे राही क्यों नहीं हो सकता। दिमाग दे विच विजन तां वड्डा चाहीदा ना, सोच जाए लै के चलोगे हो भी जाऊगा। किने सोचा सी करतारपुर साहब का लांघा खुल जूगा, खुल गया। किने सोचा सी मोदी झुक जूगा, लोगों ने झुका लिया। लोगों की ताकत लोगों की समझ है, 10 साल की खेड नहीं लड़ रहे हैं, गल थोड़ी बिल्कुल जायजा भी डेमोक्रेसी करा है, लोकतंत्र करा है, पर उस लोकतंत्र के भाई बंदे ईमानदार होने चाहिए, यह भी गल थोड़ी जायज है। मैं उही कहना बाले बंदे कह देंगे वो भाई कला विधानसभा जाए की कर देगा। मैं गल कहना मैं 6 साल हो गए पंजाबी बोली तो लैके शुरू किया पंजाब के मुद्दों से लड़ते, जे मैं बाहर रह के कला बंदा लोगों जागरूक करके लामबंद कर सकता, जे मैं कला बंदा लीडरों को घेर के सवाल कर सकता, जे भाई मैं अंदर वग गया 117 बंद तो मैं बहुत कुछ कर सकता, पर मेरी नीति साफ चाहिए है। उदो ना कहते जाके मेरी अखा फिर जा हाँ यार आप हम लोगों को भी लेना, आप देखो की करना। सो आही भाई गल बात हुई, धन्यवाद थोड़ा सारा का, मौड़ वासियों का, आले दुआले पिंड तो भी आए हो, गलत साझिया कर आने दिनों दोबारा फिर थोड़े नाल विचार वटांदरे होने हैं। हो सकता किसान साढ़े शायद अच्छ फैसला कुछ आ गया, मैं लगता हो सकता 9 या 10 तरीक तक वापस आ जा, कोई उत्थों संगठन बन जाए, मैं तो यही चाहूँगा इन्हों टिकाउंटा नहीं लड़ूगी, सिद्धूपुर नहीं लड़ूगी, कुछ जथेबंदियां है कट्ठे होकर लड़ पो भाई, कुछ पंजाब के बंदे लै लो, कुछ होर पंजाब के जो कट्ठे दर्दी लोग है, कोई बुद्धिजीवी पढ़े लोग है, कट्ठे हो गए भाई आ जाओ। बंगाल के ममता बनर्जी ने BJP हराने सारे कट्ठे कर ले, सज्जे खब्बे जिन्हें विरोधी से जिन्हें मतभेद से सारे भुला कट्ठे हो गए। अज जे पंजाब बचाउणा मतभेद भुलाने पैने, माड़े मोटे बखरेवे आपका हंकार छड़ना पैना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी खालसा।